वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ाहिर अख्तर और आज हम करने वाले हैं अपने स्वेड चेल्सी बूट्स को साफ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये जो हम स्वेड वाले चेल्सी बूट खरीद रहे हैं इनको क्लीन कैसे करना है। जी वीडियो आ चुकी है, हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा गंदा चेल्सी बूट। आप मेरे हाथ में ये जो मेरा पूरा एक पैर देख रहे हो, एक मैंने पहले से साफ करके रखा हुआ है बिफोर आफ्टर आपको दिखाने के लिए, दूसरा मैं आपके सामने साफ करूंगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक ब्रश, एक स्प्रे। प्रोकेयर ब्रांड का मैं ब्रश और स्प्रे यूज कर रहा हूँ गाइस, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं दी गई है मेरे को, इस जस्ट कि ये मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे को सही लगा तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आज की वीडियो में। इसके अलावा आप अगर अमेज़न पे चेक करेंगे आपको बहुत सारे ब्रांड्स दिख जाएंगे। एक ब्रांड इसके अलावा जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है हीलियोस। जब आप इन दोनों को खरीदेंगे या हीलियोस के ब्रश और स्प्रे वाले कॉम्बो को खरीदेंगे तो आपको 200 का डिफरेंस समझ आएगा। इन दोनों को जब मैंने खरीदा मेरे को पड़ा है 700 रुपए का, ऑल्दो इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं आता है Amazon पे, मेरे को 700 रुपए का पड़ा है ये दोनों। Helios का जो आप खरीदेंगे कॉम्बो तो वो आपको 500 रुपए का पड़ जाएगा, देख लीजिए आपके बजट में जो फिट बैठता है। ब्रश की बात करें तो ये जो ब्रश हम यूज करने वाले हैं ये नॉर्मल काइंड ऑफ कह सकते हो जो हम पॉलिश करते हैं अपने जूते को जिस ब्रश से, वही वाला है, लेकिन उसको हमें उठा के यूज नहीं करना क्योंकि उसके अंदर इधर काले कलर का पॉलिश लगा होगा या ब्राउन कलर का पॉलिश लगा होगा और जब हम उससे साफ करने की कोशिश करेंगे अपने स्वेड वाले चेल्सी बूट को वो कलर वहां छप जाएगा। तो भैया थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लीजिएगा, बस यही है, ये दो चीजें हमें चाहिए। और एक आप चाहें तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है, अगर आपका जूता बहुत महंगा है और आपको लगता है कि उसकी थोड़ी केयर और करनी है तो एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ आता है खरीद लीजिएगा, नहीं तो हर घर में एक कपड़ा होता है, बस वो अच्छा होना चाहिए कॉटन का, बस काम खत्म। सबसे पहले हमें हमारे बूट से जो डर्ट है, जो मिट्टी लगी हुई है, जो कीचड़ लगा हुआ है उसको हटाना है एंड फॉर दैट वी विल यूज दिस ब्रश। अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हमें ब्रश चलाना है गाइज, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में चलाइएगा या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में चलाइएगा। मैं डाउनवर्ड्स में चला रहा हूं क्योंकि डाउनवर्ड चलाने में इजिली जो भी मिट्टी है वो फर्श पे आ जाएगी। यहां पे एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है गाइस कि हमें बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से ब्रश चलाना है। बहुत तेजी से घिस घिस के चलाओगे तो ये जो स्वेड वाला मटेरियल है ये भी साथ में निकलना शुरू हो जाता है। पेशेंस का काम है गाइस, एक बार पूरा जब निकल गया मिट्टी डर्ट धूल जो भी चिपका हुआ है उसके बाद आप चाहें तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफाइबर क्लॉथ या जो भी आपके पास साफ कपड़ा है एक बार पूरे चेल्सी बूट पे मार सकते हैं, नहीं मारेंगे तो भी चलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस स्प्रे को पूरे बूट के ऊपर स्प्रे करना है कुछ इस प्रकार से। एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है तो थोड़ा सा अपने नाक को पीछे कर लीजिएगा एंड ध्यान रहे कि आपकी आंखों में, आपके स्किन के ऊपर ये स्प्रे ना गिर जाए। चारों तरफ आपने जब अच्छे से मार लिया है इसके बाद बूट को 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए एंड आप देखेंगे कि ये जो आपका खराब बूट था जो एकदम गंदा सा हो गया था ये एकदम चौकाचौक नया नया हो गया है। बस यही था सिंपल सा, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी चीज नहीं बताई है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा। क्या करेंगे हम तब जब हमारे इस वाले बूट के ऊपर छोले गिर गए, उसका दाग छूट गया, उसको कैसे हटाएंगे, अगर आपको पता है नीचे कमेंट करिए, अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, namaste, Allah Hafiz.